अक्सा एयरलाइंस में बम की सूचना मिली थी। जिस फ्लाइट में बम की सूचना मिली वह बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट दोपहर करीब 1:50 पर लैंड हुई। यहां पहले से अलर्ट एयरपोर्ट स्टाफ ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। इसमें 173 यात्रियों ने यात्रा की है। फिर जाँच की गयी। जाँच होने के बाद अक्सा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना जांच में झूठी निकली। सभी यात्रियों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाकर यात्रियों को परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने सामान्य तौर पर नीचे उतारा गया प्लेन। इसके बाद दोबारा जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये विमान वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। अभी देखिए चेकिंग चल रही है अकासा एयर की फ्लाइट के, जो बेंगलोर से अयोध्या आ रही थी उसके अंदर बम थ्रेट कॉल थी और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग के अंदर ले आए हैं रैंडमली जांच करके, और अभी जहाज़ की जांच हो रही है। उसके बाद हम होपफुली ये भी हॉक्स कॉल ही होगी तो उसके बाद जहाज़ को भी रवाना। इसमें 173 यात्री हैं और सभी यात्रियों को हम पैसेंजर को सब बिल्डिंग के अंदर तो ले आए हैं उनको जांच। सर क्या कारण है कि एक बार पहले भी थ्रेट की सूचना थी बम की और फिर एक बार ये चली रही है देश, पूरे देश में आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ये सूचनाएं चल रही हैं इस तरह की, और ज़्यादातर सूचनाएं गलत निकल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सूचना भी शायद गलत होगी, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको हमें पालन करना बहुत जरूरी होता है। कोई इस तरह के जो रूमर्स आ रहे हैं इसको देखते हुए कभी सच नहीं हो सकता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको लेकर क्या? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं इस चीज़ को देखते हुए। तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना मिली, जहाज़ यहाँ पर 1:50 पर लैंड कर गया था, उसको हमने आइसोलेशन बे की तरफ, जो बे नंबर 8 है हमारी, उसके अंदर लेके गए हैं। पैसेंजर्स को वहीं उतार करके अभी उनके सामान की जाँच चल रही है। BDDS टीम हमारी पहुँच गई है और उसके बाद जो है जहाज की गहन जांच होगी, उसके बाद क्लियर ऑफ कर दिया जाएगा। कोई स्टेप उठा रहे? अब ये तो हायर लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोग, जो हमारे पास जो कॉल होती है, हमारा जो कर्तव्य है BTAC करके हम जहाज़ को पूरी तरीके से चेक करके उसके बाद उसको। कहाँ तक आने की तैयारी थी? हाँ जी, कहाँ तक आ रही थी, किस एयरलाइन की? अभी अकासा एयर की थी। कहाँ से ये बेंगलोर से अयोध्या आई है फ्लाइट। इसमें 173 पैसेंजर्स थे और सभी पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग में ले आए हैं। उनकी पूरी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये बेंगलोर ही जाएगी यहाँ से वापसी। यात्रियों का पूरी हम ख्याल रख रहे हैं तो अभी उनको बिल्डिंग में ले आए हैं, और जो यात्री जो थोड़े से बुजुर्ग हैं उनको हमने बैठने के लिए भी व्यवस्था कर दी है। सामान की जाँच चल रही है और एयरक्राफ्ट की भी जाँच चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। रिहर्सल भी किया था पहले 40 मिनट पहले, हमें बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके कारण जल्दी से लैंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अयोध्या पास है तो अयोध्या ही लैंड करेंगे। उसके बाद फ्लाइट तेजी से लैंड करी, पायलट ने वहां पर फ्लाइट में सामान चेक किया सबका कि सब सारे सामान का ओनर है कि नहीं फ्लाइट में, और उसके बाद लैंड होने के बाद 2-3 बार चेक हुआ डॉग्स और सिक्योरिटी चेक्स और मल्टीपल राउंड्स ऑफ, और उसके बाद फिर अभी हमें रोका रखा था काफ़ी देर कि सारा सामान आ जाए तभी निकलने देंगे एक साथ, कि हर सामान का ओनर है कि नहीं। पैसेंजर में घबराहट तो थी, सभी घबराए हुए थे, लेकिन कोई पैनिक नहीं हुआ फ्लाइट में, शांति बनी रही, लेकिन सब घबरा तो गए थे ही अचानक से। अयोध्या ही आ रही थी, अयोध्या ही लैंड हुई है। प्रांजल अग्रवाल, मैं सुल्तानपुर का। नहीं, आई गेस फ्लाइट के मिड में ही हमको सूचना मिली थी। इट वॉज नॉट लाइक बहुत पहले से ये इन्फॉर्म्ड था। इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी रूटीन, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। इफ़ यू गाइज डोंट माइंड, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। सो नहीं, आई गेस फ्लाइट के मिड में ही हमको सूचना मिली थी। इट वॉज नॉट लाइक बहुत पहले से ये इन्फॉर्म्ड था। इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी रूटीन, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। इफ यू गाइज डोंट माइंड, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सर। जी, फ्लाइट में 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि कुछ सिक्योरिटी इशू था, उसके बाद सबके बैग चेक हुए और फिर 20 मिनट में सॉल्व आउट हो गया था। नहीं, पैनिक कुछ नहीं था, सब कुछ हैंडल हो गया था बहुत अच्छे से। लैंड होने के बाद 10 मिनट तो उधर रुकना पड़ा, बाकी बैगेज के लिए 40 मिनट रुकना पड़ा इधर। जी, शफक आरिफ यहीं के रहने वाले। जी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।